हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज की रेसिपी है कच्ची हल्दी वाली चाय। हेल्दी दिन की शुरुआत करनी हो तो पिए कच्ची हल्दी वाली चाय। बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो तो ये चाय उसे दूर करने में हेल्प करता है। साथ ही मेटाबॉलिक चेंजेस के कारण पेट के आसपास जो चर्बी जम जाती है तो उसे भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को कम करता है, साथ ही ब्लड शुगर के लेवल को भी कम करता है। इससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अगर आयुर्वेद की माने तो कच्ची हल्दी को इम्यून बूस्टर भी कहा जाता है। तो जब इतने सारे गुण एक ही चीज़ में हो तो क्यों ना इसका सेवन करें। सर्दी में हमें यह चाय डेली पीनी चाहिए। 2 कप चाय बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप पानी। अब पानी को बॉयल करेंगे और जब ये बॉयल होने लगे तो इसमें डालेंगे 1 से 1.5 इंच के हल्दी के टुकड़े। ये कच्ची हल्दी के टुकड़े हैं। इसे खुरच करके इसके छिलके निकाल लें और इसे ग्रेट करके बॉयल पानी में डाल दें। इसके साथ ही हमें डालना है 1 इंच के दालचीनी के टुकड़े और 10 से 12 काली मिर्च। इसे डालने के बाद 4 से 5 मिनट अच्छे से बॉयल करना है और फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखें, नहीं तो पानी जल्दी जल जाएगा। जब ये पानी 2 कप के करीब बचे तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी और फ्लेम को ऑफ करके इसे कवर कर देंगे 30 सेकंड के लिए और फिर इसे छान लें। लीजिए, बन गई हमारी कच्ची हल्दी वाली चाय। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक जरूर दे। तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान। आप भी घर पर बनाएं और अपने अनुभव शेयर करें तड़का मार्केट विद नीलू.com पर।